बच्चों, कविता का नाम है जादूगर ये है कौन। इस कविता में जो कवि हैं श्री राज नारायण चौधरी, ये हमें कविता के माध्यम से बादल की मनोदशा बता रहे हैं कि जो बादल है वो क्या है और वो हमारे लिए क्या करता है और उसके मन में क्या विचार आते होंगे। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन, कहां कहां से नव में आता, तरह तरह के खेल दिखाता। कि कैसा है बादल, बादल कैसा है, काली खुली जटाओं वाला। काली जटाएं क्यों बोली है, क्योंकि जो बादल है उसके चारों ओर क्या होता है, डार्क लाइंस होती हैं। खुली जटाएं कि वो उसका कोई आकार नहीं होता, वो किसी भी तरह का हो सकता है। जादूगर यह है कौन, जादूगर किस क्यों बोला गया है उसे, क्योंकि वो कभी आता है कभी जाता है, उसका मन होता है तो एकदम घिर जाता है, उसका मन होता है तो वो एकदम ओझल हो जाता है। कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता। हमें पता ही नहीं नभ आसमान में कहाँ से आ जाता है और हमें अलग अलग करतब दिखाता है। जादूगर, जादूगर क्या करता है, हमारे मन को लुभाने के लिए तरह तरह के खेल दिखाता है। उसी तरह से बादल को भी श्री राज नारायण चौधरी ने कहा है। पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर ये कौन, कि हवाओं में ये उड़ता है, ये जादूगर कौन है। छू मंत्र पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता। कि ऐसे जादू के ये मंत्र पढ़ देता है कि सूरज भगवान भी अदृश्य हो जाते हैं आसमान से, दिन को भी ये रात बना देता है, ये जादूगर कौन। धरती तक कैसे झुकाता, जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित्र लुभाने वाला जादूगर ये कौन। धरती तक कैसे झुक जाता, क्या कहा गया है कि वो धरती पर हमें ऐसा लगता है कि वो एकदम हमारे आसपास आ गया है, झुक गया है जैसे हाथी। हाँ जी बेटा, हम पोएम कर रहे थे, धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। कि वो धरती तक हमें ऐसा लग जाता है कि जो बादल है बिल्कुल धरती के पास है, इस तरह से लगता है कि जैसे कि सूंड, जैसे कि हाथी अपनी सूंड हिला रहा हो, झुका रहा हो। सबका चित लुभाने वाला, सबका चित लुभाने मतलब कि सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है कि ये कैसा जादूगर है। जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता। कि जब भी इसका मन आ जाता है तो झोले से बूंदे टपकाता है, तो हमारे पास क्या बन के आती है, वो बूंदे, बारिश। धरती को सरसाने वाला जादूगर ये कौन, कि धरती को खुशहाल करने वाला है ये जादूगर कौन है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता लिखी गई है और बादल को एक्सप्लेन किया है इसमें। अब बच्चों, आपका काम ये है कि इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी इसमें शब्द रेखांकित किए हुए हैं ये आप मुझे कॉपी में करके सेंड करेंगे, मैं इनको ऑनलाइन चेक करूँगी। समझ में आई है सबको। इसके कवि का नाम याद रखना है कि जादूगर यह कौन कविता किसने लिखी है, राज नारायण चौधरी ने, और इसके मुश्किल शब्द कॉपी में लिखकर मुझे सेंड करो। ओके, गुड, बाय बाय फॉर नाउ।